तो भाई ये आ चुका अपना क्या क्या था ये माइक माइक सॉरी भाई मैं भूल जाता हूँ। तो भाई अभी सुबह के 10 बज रहे और सुबह सुबह ये ऑर्डर आया है। तो ये जो मैंने मंगाया है ये कौन सी कंपनी का है, ये है भाई सिनको, पढ़ने आ रहा है उल्टा आ रहा होगा पता नहीं जो भी है। ठीक है तो इसको अभी मैं खोल के देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि कैसा है क्या इस मतलब अभी चलाऊंगा नहीं इसको, मेरे ख्याल से इसमें मेरे को एक कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। मैंने पढ़े था अमेजन पे तो आईफोन के लिए कनेक्टर, क्योंकि गोप्रो में तो आवाज़ ठीक आती है तो गोप्रो के लिए ज़रूरत नहीं है मेरे को, बाकी मेरे को आईफोन के लिए चाहिए। तो देखते हैं इसे खोल के। चलो में मुझे मिला ये एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है और कुछ लीडें मिली हैं। ठीक है अभी मेरे को जो लगा चलाना नहीं आता मैं उसको पहले देखूंगा यूट्यूब पे, जहाँ तक है मुझे इसके लिए एक केबल की ज़रूरत पड़ने वाली है क्योंकि आईफोन के लिए इसमें कन्वर्टर चाहिए, क्योंकि ये जो जो रिसीवर है वो फ़ोन से कनेक्ट होगा और जो ट्रांसमीटर है वो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ वो वायरलेस है। ठीक है और अभी मेरे को जाना बाल कटाने, तो अभी बाल कटवाते हैं क्योंकि भाई मंडे से अपन कर रहे हैं एक नई जॉब की शुरुआत। जॉब है क्या नहीं है, क्योंकि मिल गई है एक छोटी मोटी जॉब जो कि सिक्योरिटी से बेटर हो सकती है, क्योंकि मेरे को पता नहीं है अभी, क्योंकि हो सकता है कि मतलब क्या पता मुझे काम पसंद ना आए, बट फिर भी मैं उसको बता दूंगा क्या जॉब है, मंडे की मंडे देखेंगे। तो आज सैटरडे है, फिलहाल बाल कटवा के आते हैं, बहुत बड़े बड़े हो गए। ठीक है भाई चलो मिलते हैं। की आवाज़ बहुत आ रही होगी आप लोगों को, तो अभी मैच खेलने आ रहा हूँ, खरी भाई लेने आ रहे हैं मुझे। यहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे ख्याल से गाड़ी भैया की वो वाली है सामने वाली, तो अभी उनका वेट कर रहा हूँ। वो गए हैं कहाँ पे, ड्रिंक लेने, ड्रिंक मतलब दारू नहीं भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने गए हैं। तो भाई ये इलाका ऐसा है यहाँ पे ना सारी कंपनियाँ हैं, इसमें भी थोड़ी बहुत कंपनी होंगी, पीछे मेरे डिलोइट है वहाँ पे और EY हो गई आपकी, एक आध कंपनी और होगी, वो सब सारी कंपनी ना यहीं पे, जितनी बड़ी कंपनी है ना सारी वहीं। मेरी बाल ऐसे गंदे काटे ना मेरे वाला, वो था नहीं बार बार जो था मैंने किसी और से कटवाए थे। आज मेरी ट्रेनिंग का है तीसरा दिन और मौसम आज एकदम से सडनली से इतना चेंज हो गया ना, मतलब अब से 3 दिन पहले इतनी भयंकर गर्मी थी और आज देख रहे हो स्वेटर वेटर पहनना पड़ रहा है मुझे, और मतलब ठीक ठाक ठंडा, आज 12 डिग्री था सुबह के टाइम, 11 भी गया है अभी, मतलब मिनिमम टेम्परेचर 11 गया है, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी मेरी एक नई जॉब लगी है, उसकी ट्रेनिंग का आज थर्ड डे है, सेल्स की जॉब है। ठीक है तो उसके बाद फिर मेरे को फील्ड पे काम करना है, कभी कभार हो सका तो ऑफिस जाना है। क्यों करिए जॉब चेंज वो तो बात की बात बाद में करेंगे, अगर पसंद आती है तो वीडियो बनाऊंगा बाद में भी, और जब तक कुछ नहीं मिला तब तक कर लेते हैं, बाकी चलो चलते हैं क्योंकि लेट होने वाला हूँ, 10 मिनट रह रही है बस। ठीक है भाई मिलते हैं थोड़ी देर में। खत्म हो चुकी है तो मैं अभी देखो मैंने टी शर्ट वगैरह भी नहीं उतारी, तो बात करते हैं मेरी जॉब कहाँ लगी है, कितनी सैलरी है। ठीक है मेन मुद्दा तो आपका सैलरी ना भाई, कितनी सैलरी है। ठीक है और मेरे को कंपनी से क्या क्या मिला है, मेरे को काम क्या करना है। ठीक है चलो वो सब बातें करते हैं। मेरी जो जॉब लगी है वो लगी है इलेक्ट्रिक आयरलैंड में। ठीक है मैं किसी कंपनी के थ्रू लगाऊँ, मतलब कि वो कंपनी उनको सेल्स प्रोवाइड करती है, तो मैं काम करूँगा, मेरा जो क्लाइंट होगा वो होगा इलेक्ट्रिक आयरलैंड। ठीक है इलेक्ट्रिक आयरलैंड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, उनके पास जाना है मतलब घरों में जाना है और उनसे पूछना है अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर आप इलेक्ट्रिक आयरलैंड यूज़ नहीं करते तो कर लो उसको, मतलब कोई लोड नहीं है। ठीक है सबसे बढ़िया बात क्या है इस जॉब में कि सैलरी फिक्स है, जो टारगेट दिया गया है हमें। ठीक है जो भी टारगेट होता है मैं यहाँ पे सब चीज़ नहीं बताऊँगा,
तो जो टारगेट, अगर हम उस टारगेट को अचीव करते हैं तो इंसेंटिव बहुत अच्छा है। सैलरी बेसिक है क्योंकि ये मेरी, मैं इसको अपनी फुल टाइम जॉब की तरह ट्रीट नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ पार्ट टाइम, क्योंकि मैं हूँ मार्केटिंग फील्ड का बनना हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का। तो मे बी इन फ्यूचर हेल्प करेगी जब भी मैं कहीं CV अप्लाई करूंगा या फिर मतलब वहाँ पे दिखाऊंगा कि हाँ ये है बस सेल्स एक्सपीरियंस एज वेल। सो मे हो सकता है कुछ मिले, बट जब तक मेरे को अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तब तक ये बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर चुका हूँ, मे बी हो सकता है आने वाले टाइम में मेरे को, या अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो मे बी ये मेरे को वीज़ा भी ऑफर कर सकते हैं। तो इसलिए भाई ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है, इसलिए मैंने जॉब चूज़ कर ली थी। यहाँ पे मेरा काम है सिर्फ, मेरी ये फिक्स जॉब है, तो मेरे को यहाँ पे 5 दिन काम करना है, मंडे से लेके फ्राइडे तक। और जो मेरी जॉब की टाइमिंग है वो मैं या तो 10 बजे से कर सकता हूँ सुबह, या फिर 12 बजे से कर सकता हूँ, और 8 घंटे मुझे देने हैं, ठीक है। और इसमें खास बात मुझे अच्छी क्या लगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फील्ड की जॉब है, तो इंडिया में भी पता नहीं होता, नहीं होता था, यहाँ पे क्या होता है फील्ड की जॉब में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को डेली का लंच अलाउंस मिलेगा 7 यूरो, 13 यूरो मिलेगा मुझे यहाँ पे ट्रेवल अलाउंस। तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि सैलरी अलग है और ये सब चीज़ें अलग हैं, और इंसेंटिव प्लान बहुत अच्छा है। अभी तो मेरे को पता नहीं भाई मैं टारगेट अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टारगेट से मतलब है नहीं, मतलब जो फिक्स सैलरी है वो तो आपको मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो 6 महीने का प्रोविजन पीरियड है, अगर मैं 6 महीने तक टिका तो, ठीक है। और जो सैलरी है फाइनली, तो सैलरी मेरे को अभी ऑफर हो रही है 28,000 यूरो पर एनम, ठीक है, ये फिक्स सैलरी है। और इसके अलावा जो कमीशन वगैरह, मैं कमीशन नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मे बी कुछ दिक्कत हो जाए, ठीक है, तो कमीशन के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो ये था मेरे नई जॉब का सारा, सारी इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो आगे जाके, जिनको इलेक्ट्रिक आइलैंड या फिर कोई सेल्स जॉब करनी है, कि यहाँ पे एवरेज फ्रेशर की, मैं फ्रेशर की बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस की, यहाँ पे एक्सपीरियंस को बहुत मिलती है, यहाँ पे 45,000 भी मिलती है, 50 भी मिलती है, 35 भी, 37 भी, तो एक्सपीरियंस को मिलती है यहाँ पे सेल्स में। बट मैं प्योर फ्रेशर हूँ इस फील्ड में, तो इसलिए मेरे को बेस सैलरी पे रखा गया है 6 महीने के लिए, उसके बाद में भी बढ़ा दी जाए या कुछ भी, अगर मैं अपने टारगेट अचीव, क्योंकि मेनली जो आपकी सैलरी बढ़ेगी वो टारगेट से बढ़ने वाली है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।